हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में एक खास बात है कि आपको ब्रेक कीवर्ड पर पूरा कमांड होने वाला है, यानी जो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनमें एक कीवर्ड आता है ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक का यूज आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको 100% गारंटी है कि ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक कीवर्ड का क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली को ओपन करते हैं यहाँ पर पाइथन, और यहाँ पे आपको दिखेगा आइडियली। तो बस ये आइडियली को ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल पे जाना है और यहाँ से न्यू फाइल ले लेना है। जैसे ही न्यू फाइल लेते हैं तो अब हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखिए फॉर, क्योंकि फॉर एक लूप लगा रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं एक्स, एक वेरिएबल बना लेते हैं और इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। और ये रेंज फंक्शन है जो लास्ट माइनस वन करता है, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे वन लिखा, यहाँ पे फोर लिखा, कॉमा देके फोर लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलन आता है जनरली, तो कॉलन हम लगा देते हैं। फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, यानी नेस्टेड फॉर लूप की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे किया वाई, इन इन ऑपरेटर है, रेंज एक फंक्शन है। और यहाँ पे क्या करेंगे, दो से लेकर पांच तक। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, 100% गारंटी है कि ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे इफ की कंडीशन देते हैं, तो एक्स इंटू वाई, यानी एक्स में जो वैल्यू जाएगी और वाई में जो वैल्यू जाएगी वो ग्रेटर होगी 10 से। ठीक है, और यहाँ कॉलन लगा दिया, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ब्रेक कीवर्ड, यानी इसी का मीनिंग है, यानी इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये ब्रेक कीवर्ड के लिए केवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, एक्स इंटू वाई प्रिंट करवाना है, यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करवाना है। ठीक है, जाके ये कलर तो देखिएगा, ये जो लिखा गया है फॉर एक्स इन रेंज 1, 4, तो रेंज लगा हुआ है तो 4-1 होगा, यानी इतने की वैल्यू, यानी ये वाला जो दिया गया है, पहला लाइन जो दिया गया है, इसकी वैल्यू आएगी 1, 2 और 3 आएगी, 4 नहीं आएगी क्योंकि रेंज लगा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो ये नेस्टेड लूप है, तो अभी फॉर के अंदर एक और फॉर लूप लगा हुआ है, तो वाई इन रेंज कहा गया है। तो वाई इन रेंज में क्या आएगा, तो 2 से लेकर 5 तक, यानी 5-1 हो जाएगा, लास्ट -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर ज्यादा होता है 10 से, माने अगर वो वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाती है तो ब्रेक कर दीजिए और x इंटू वाई को प्रिंट करा दीजिए, माने उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और x इंटू वाई का मल्टीप्लाई प्रिंट करवा दीजिए। तो यहाँ पे पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 में होगा, तो x इंटू वाई होगा। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो यहाँ पे 3 भी आएगा। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 4 भी आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 2 में जाएगा, तो 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो यहाँ 9 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 भी आ जाएगा। और फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, लेकिन ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के वजह से ये जो आंसर है हमारा नहीं आएगा, यानी 12 वाला जो आंसर है, यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 में होता तो 12 आता, लेकिन 12 जो है ग्रेटर हो जा रहा है 10 से, जिसकी वजह से ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, और ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, प्रिंट नहीं करेगा। देखिए, अब इसको चलाता हूँ, F5 प्रेस करके एंटर करता हूँ। ठीक है, इसको किसी भी नाम से सेव करके एंटर करेंगे और ये चलेगा, और चलेगा तो देखिए सेम वही चीज जो मैंने बताया था, सेम एकदम वही चीज प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, फिर 6 है, 8 है, 6 है और 9 है, यानी वही चीज प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ब्रेक हटा दे तो केवल 12 आएगा। अगर मैं ब्रेक हटा देता हूं, ठीक है, तो कंडीशन ये बन जाएगी ना, तो अगर मैं ब्रेक हटा दूं यहां से, तो यहां पर केवल 12 आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। यहां पे देखिए इंटेंडिंग चेंज होगी यहां पे प्रिंट की, अगर ब्रेक हटाते हैं तो यहां पर एंटर करके आते हैं, पहले देखते हैं इंटेंडिंग कहां जाती है इसकी, यहां पर अब इसको F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको केवल नीचे 12 दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है ना।